चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। ये आपकी ताकत है जो रात में इनका तबादला हुआ है, पर हम अपनी एकजुटता के कारण ही हम अपना स्वाभिमान बचा पाए। कितना ही समझाए, मना करे, डराने की कोशिश करे, हम डरने वालों में से नहीं है। और हम है विपक्ष के, हम है विरोधी, हम करते हैं विरोध। यहाँ पर मौजूद सभी मेरे बड़े छोटे भाई ताया चाचा सभी को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो पंचायत में मंच नहीं होता, हमने तो बहुत सारी किसान पंचायतें करी हैं हाल फिलहाल, तो हमने मंच कभी नहीं देखा। सब लोग इकट्ठे नीचे बैठते हैं, क्योंकि जैसा कि सब कह भी रहे हैं कि किसी पार्टी की पंचायत नहीं है, तो मेरे हिसाब से मेरा सुझाव है, छोटी हूँ मैं आप सबसे, लेकिन मेरा सुझाव है कि यहाँ भी मंच नहीं होना चाहिए था। हमें अपनों के बीच आज यहाँ हम मौजूद हुए हैं अपनों की आवाज़ उठाने के लिए, तो हमें सबको नीचे अपनों के बीच बैठना था। ये होता है पंचायत का असली दायित्व। बाकी मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ये जो पंचायत है सर्व समाज की पंचायत है, और यहाँ पर 36 बिरादरी हैं, सभी धर्म के लोग मौजूद हैं यहाँ पर। ये हमारी जन समस्याओं को लेकर एक पंचायत आयोजित की थी, और मुझे आप लोगों ने निमंत्रण दिया था, इसलिए मैं आज आपके बीच आई हूँ। कोई भी जनप्रतिनिधि होता है, यहाँ से आपके आशीर्वाद से मेरे बड़े भाई नाई रसन जेल से चुनाव जीते हैं, वो आपके जनप्रतिनिधि हैं। एक बार चुनाव संपन्न हो जाए तो चाहे वो विपक्ष हो या पक्ष हो, सबके जनप्रतिनिधि माने जाते हैं। तो इसलिए मेरा फर्ज था अपने बड़ों के बीच में, जब मुझे बुलाया गया यहाँ पर आने का, आपके मुद्दे को बुलंदी देने का, उसे जोर शोर से उठाने का। जिस परिवार से मैं आती हूँ, हमारे परिवार का ये इतिहास रहा है कि कभी भी चाहे किसी से भी आपकी लड़ाई लड़ने की बात हो, हम कभी पीछे नहीं हटे, और आगे भी, भले मैं अपने परिवार की सबसे छोटी सदस्य हूँ, लेकिन आपकी लड़ाई लड़ने में हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। ये जो मुद्दा है, ये सभी का मुद्दा है, जो हमारा बिजली विभाग का मुद्दा है, इन्होंने इतना परेशान सबको कर रखा है, तो उसके लिए आप लोगों ने, ये आपकी ताकत है जो रात में इनका तबादला हुआ है, वरना कोई नहीं करा पा रहा था, आपको मालूम है ये बात। तो आपको अपनी ताकत समझनी पड़ेगी, आपको अपनी एकजुटता की ताकत समझनी पड़ेगी। आप जब बुलंदी से इसी तरह भाईचारे के साथ ये जो भेदभाव फैलाते हैं, इनसे हटके भाईचारे के साथ जब आप इसी तरह इकट्ठे हो गए, तो हम जो गरीब हैं, हम जिनकी कमर टूटी हुई है महंगाई के कारण, हम अपनी एकजुटता के कारण ही हम अपना स्वाभिमान बचा पाएंगे। तो मेरी आप सबसे यही अपील है कि ये जो आपकी आज यहाँ पे इतना खूबसूरत ये आपने सभा आयोजित करी है, ये महापंचायत आयोजित करी है, इसी तरह आप अपनी ताकत को पहचानिए। आप और हम एक ही जगह पिस रहे हैं, एक ही छत के नीचे पिस रहे हैं आप और हम, क्योंकि सबने मुझे बहुत सिखाने की कोशिश करी। मेरे सभी बड़े हैं, मैं सबका अदब करती हूँ कि ये नहीं कहना, वो नहीं कहना, लेकिन मेरा सिर्फ एक सवाल है, बिजली विभाग किसके अंतर्गत आता है, प्रशासन किसके अंतर्गत आता है? क्या सरकार अपने प्रशासन पर कंट्रोल नहीं कर सकती? फिर हमने क्यों चुना ऐसी सरकार को? तो आपको ये बात समझने की है, प्रशासन तो सब कर्मचारी है, तनख्वाह है उनकी, लेकिन उनपे ऑर्डर तो ऊपर से ही आते हैं। तो ये बात समझने की है, हमारी अगर कोई कमर तोड़ेगा तो हम इसी तरह आगे भी पंचायत करेंगे, और मैं और मेरा परिवार आपसे ये वादा करते हैं कि आप लोग जब भी चाहोगे, हम इसी तरह आपके बीच मौजूद रहेंगे। चाहे कोई कितना ही समझाए, मना करे, डराने की कोशिश करे, हम डरने वालों में से नहीं है, और हम है विपक्ष के, हम है विरोधी, हम करते हैं विरोध। मैं अपनी पार्टी के लिए यहाँ नहीं आई हूँ, मैं अपनी जनता के लिए यहाँ पर आई हूँ। और जिस तरह हर रविवार को सरकार मोदी जी से हम भी अपील कर सकते हैं, हम क्या उनकी जनता नहीं है? हम क्या इस देश के नागरिक नहीं है? हमारा भी अधिकार है। हर इतवार को मन की बात होती है, आज हमने भी इतवार को जन की बात कर दी, तो क्या बड़ी बात हो गई। तो मेरी आप सबसे यही अपील है कि कल रात जो तबादला हुआ, आपकी ताकत से बदौलत हुआ। आप अपनी ताकत को पहचानिए, अपना विरोध करिए, आपको जो समस्या है
आप किसी पार्टी के अधीन नहीं है। अगर आपको समस्या है आप उसे उठाने के हकदार है। आप किसी के दबाव में नहीं आइए, आपका अधिकार है, आप जन नागरिक है, आपसे यहाँ का लोकतंत्र है। तो मेरी यही आप सबसे अपील है कि आगे भी मैं यहाँ से इस पंचायत के माध्यम से कहना चाहती हूँ बिजली विभाग वालों को और जो भी भ्रष्टाचार हमारे प्रशासन में फैला हुआ है कि हम इसी तरह जब जब जरूरत पड़ेगी हम इसी तरह इकट्ठे होकर विरोध करेंगे। आप सबका मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद चौधरी करासन जी।